अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप बोलकर इंग्लिश लिख सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप उर्दू में कुछ बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं अगर उर्दू में भी बोलूंगा तो एक ऐसी ऐप आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपकी उर्दू सुन के उसको इंग्लिश में लिखती जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, आप किसी के साथ भी इंग्लिश में चैट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इसके लिए कौन सी ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कैसे आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है ईजी उर्दू कीबोर्ड। यहाँ पर आप इजी उर्दू कीबोर्ड लिखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये ऐप आ चुकी है और ये ऐप जो है वो आप देख सकते हैं कि 2016 के अंदर जो है वो इसने अवार्ड भी जीता हुआ है। तो बहुत अच्छी ऐप है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो डिसेबल है यानी यहाँ पर ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस कीबोर्ड को आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे भी यानी किसी जहां पे भी आप लिखना चाहते हैं उस ऐप को आपने क्या करना है कि ओपन कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाहता हूं जनाब जी, यहां पे मैं व्हाट्सएप के अंदर आ जाता हूं और व्हाट्सएप में आने के बाद यहां पर मैं किसी को भी यहां पर आप देख सकते हैं कि किसको करूं मैसेज, किसको करूं, यहाँ पे साइन को कर देता हूँ मैसेज, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मैसेज के अंदर और यहाँ पर आप देखें उर्दू का यहाँ पे इजी उर्दू का यहाँ पे एक ऑप्शन है और यहाँ पे ये माइक का ऑप्शन है। आपने करना क्या है कि इस ऑप्शन को ऐसे ही क्लोज रहने देना है और इस माइक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कुछ मैं बोलूँगा वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो बोला है वो जनाब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है जी। तो आप कुछ भी बोलेंगे वो इंग्लिश में खुद ब खुद लिखा जाएगा और आप किसी को भी वो मैसेज है वो सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप का एक और फ़ायदा है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जनाब आप जो उर्दू बोल रहे हैं वो उर्दू में ही लिखा जाए, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो सेटिंग ऑफ़ है इसको आपने ऑन कर लेना है और ऑन करने के बाद अब आप जो बोलेंगे वो उर्दू में लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैं बोलता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी उर्दू में लिखा गया है। तो बहुत अच्छी ये ऐप है, आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूँ मोहम्मद वलीद, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।